पंचायत स्थित कटरिया टोला में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुगौली प्रखंड प्रमुख पति ध्रुव साह ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुश्ती प्रतियोगिता खत्म होती जा रही है, जबकि कुश्ती दंगल ग्रामीण क्षेत्रों की प्राचीन काल से ही मुख्य खेल रहा है। युवा वर्ग को भी अपने पारंपरिक खेल के प्रति जागरूक होना चाहिए। वहीं रुलही के पंचायत समिति सदस्य भावी प्रत्याशी गौतम गोविंद ने कहा कि युवा वर्ग की भी कुश्ती कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों के प्रति फिर से रुझान रखना होगा। कुश्ती प्रतियोगिता में सबसे रोचक मुकाबला शिवांगी बक्सर और बेबी गोरखपुर के बीच देखने को मिला, जिसमें लगातार दूसरी बार बक्सर की पहलवान शिवांगी ने गोरखपुर की पहलवान बेबी को चारों खाने चित करके पछाड़ दिया। इस प्रतियोगिता में जोगी पहलवान, मंगला पहलवान, संजय पहलवान, लखन ठाकुर पहलवान, सगीर पहलवान सहित 20 जोड़ी पहलवानों ने आपस में मुकाबला किया। विजेता पहलवानों को सुगौली प्रखंड प्रमुख पति ध्रुव शाह, भावी समिति सदस्य प्रत्याशी गौतम गोविंद टुनटुन सिंह आदि ने पुरस्कृत किया। कुश्ती के आयोजन में सुरेंद्र सिंह, टुनटुन सिंह, जाकिर हुसैन, गौतम गोविंद, संतोष यादव, रंजन कुमार सिंह प्रखंड प्रमुख पति ध्रुव आदि की सराहनीय भूमिका रही। वहीं इस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ पुरोहित टूना उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन करके हनुमान ध्वजारोपण करके किया। मझौलिया से मनीष कुमार, इस समय रुलही पंचायत के कटहरिया में जो दंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वहां पर आया हूं। जो अंतर्राज्यीय जो कुश्ती लड़ने वाले हमारे पहलवान आए हैं वो सब लोग आए हैं। ये मन हर साल लगता है, कैसे हर साल लगता है? कोरोना के लेकर के दो साल नहीं लगा था। अपना परिचय बताइए। प्रखंड प्रमुख पति है। नाम क्या हुआ? ध्रुव शाह जी। ध्रुव शाह जी, ये बताइए कि जो ये दंगल के कार्यक्रम हो रहा है कहाँ कहाँ पहुँचेगा? इस समय यहाँ गाजीपुर और यूपी के और नेपाल से और अपने बिहार से भी और उत्तर प्रदेश से भी अंतर्राज्यीय स्तर पर यहाँ पर पहलवान आए हैं जो दंगल का कुश्ती का अपना खेला दिखाएंगे और अपनी प्रतिभा को जागृत करेंगे। संभवतः महिला भी जो कुश्ती खेलने वाली जो महिला है वो भी आई है। आज तो शायद सिवांगी लोग दिखाई दे रही है, अब वो भी आई है। यह मेला जो लगता है कैसे ऐतिहासिक मेला है, प्रति वर्ष लगता है और पश्चिमी पूर्वी दोनों के सजा का मिसाल है। जंगल दोनों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला के ये बॉर्डर का इलाका है, रुलही पंचायत का है जो उधर सीरी पड़ता है और दोनों के ही नागरिक यहाँ उपस्थित है और इसका मैंने जबरदस्त लुक और आनंद उठा रहा है। R9 ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को शादी ब्याह करके उनके घर भेज दिया जाता है, इस मामले में क्या कहेंगे? जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं ताकि मैं यहाँ भी आ रही हूँ और मेडल भी दे रही हूँ खेल में, तो हमारे जैसे उनको भी घर से उन लोग को सपोर्ट करें ताकि हमारे जैसे वो लोग भी आगे बढ़े। लड़कियों को क्या शिक्षा देना चाहती है, क्या चाहती है लड़कियों? मैं सोच रही हूँ जैसे हम करते हैं उनको, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनको भी सपोर्ट करें ताकि वो लोग भी हमारे। अरे क्या मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी को? क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? क्योंकि कुश्ती इसके लिए होती है, जैसे हमारे गांव में ऐसे छोटे छोटे दंगल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि लोग नशा से मुक्त रहे। भारत समझाता मझौलिया से मनीष कुमार।